दोस्तों, अगर आपके पास व्हर्लपूल की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, यानी कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, और आपको नहीं पता है कि इसमें कैसे पानी निकालते हैं, कैसे कपड़े को धोते हैं, और कैसे सारे जो प्रोसेस होते हैं उसमें किस प्रकार से होता है, तो आज जो इस कंपनी की तरफ से इंजीनियर आते हैं यहाँ पर सेटअप करने के लिए, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पूरा वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपके पास ये मशीन है व्हर्लपूल की, तो पूरा का पूरा इस वीडियो में बताएँगे वो, और आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से समझाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो पूरी वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको पता चल जाए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको दूसरी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की जानकारी यहाँ पर बहुत ही सारी आगे भी मिलने वाली है। जो आप कपड़े डेली पहनते हो, हाँ वो डाले हैं। जैसे मतलब जींस ना डालना या कंबल मत डालना इस पे, ठीक है? जो डेली कपड़े आप पहनते हो, हाँ। नॉर्मल कपड़े, कम गंदे कपड़े, हाँ। या P2 स्ट्रेस वॉश, इस पे क्या है, इस पे जो है बहुत ही सॉफ्ट कपड़े या कम गंदे कपड़े आप कहें, ये जल्दी काम कर देगा मेरा। अच्छा, तो ये जो है P2, ये जल्दी वॉश कर देगा, जैसे बनियान वगैरह हो गई, हाँ, सॉफ्ट कपड़े हो, बच्चों के कपड़े हो उसके लिए। तीन नंबर हैवी कम्बल, हैवी का मतलब है जींस हुए या कम्बल हुए या टॉवल वगैरह हुए, हैवी बदलेंगे, ठीक है? या बेडशीट हुई, अगर आपके सिंगल बेड है तो 3 बेडशीट धुल सकते हो। अच्छा। अगर डबल है 2 धुल सकते हो, ठीक है? क्या इको वॉश का मतलब होता है कपड़े या तो बहुत ही हल्के कपड़े या अंडरगारमेंट कपड़े, ठीक है, वो धुलेंगे आप इको वॉश पे, या जिनमें नहीं मोती जड़े होते हैं साड़ियों में वो धुलेंगे इको वॉश पे। P4 पे, ठीक है, P5 व्हाइट्स, इस पे ओनली व्हाइट कपड़े धुलेंगे, ये धुल देगी, मिक्स डालने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कपड़े जो रंग छोड़ देते हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए व्हाइट के लिए ओनली व्हाइट है P5। फिर आपका यहाँ तो आप जो आपका गया P6 रिंस प्लस ड्राई, यहाँ से 6 नंबर से 8 तक, 8 का मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ के नहीं, ये दिया हुआ है इक्वा स्टोर, जहाँ पे पानी आता है टाइमली मेरा, नहीं मतलब बड़े सहायता हम आता था बालकों में, तो आपकी मशीन स्टार्ट रहेगी और 8 नंबर लगे रहेगा, तो वो टैंक अपना फुल करके जब पानी आएगा, तो इसका यहाँ पे यूज नहीं है। अब आपके फंक्शन 2 बचे हैं, P6 और P7। P6 का मतलब ये है, जैसे ये कपड़े आपने बाहर धुल लिए, आपको सुखाने हैं, तो आपने P6 लगा लिया है, डाल दिया, मशीन थोड़ा पानी लेगी, कपड़े खंगा लेगी और सुखा देगी। रिंस का मतलब ये है कि आपने कपड़े बाहर धुल लिए, आप इसमें सिर्फ जो है मेरे कपड़े सूख जाए, तो ये ओनली कपड़े सुखाएगी मेरी मशीन और रुक जाएगी। अच्छा, ड्राई वाले। एक से लगाकर 5 तक आप जो फंक्शन यूज करेंगे मेरी मशीन उसमें सोक करेगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी, ड्राई करेगी। एक से लगाकर 5 तक आप कोई भी फंक्शन यूज करेंगे मेरे चारों वर्क करेगी, बचे 2 फंक्शन मेरे P6 P7, ये आप जो फंक्शन लगाएंगे वो काम करेगा, बाकी हमारा काम नहीं करेगा। भाई आपने कपड़े धुले उसने, छत पे डाल दिए सुखाने के लिए, आंधी चली वगैरह, मेरे कपड़े नीचे गिर गए, मान लीजिए एक बात, तो कपड़े आप साफ, आपके उसमें से मिट्टी है, तो आप लाइएगा खुली डोर में डाल दीजिए सकते हो, P6 लगा दीजिएगा। अच्छा, तो आपके सर्फ जरूरत नहीं है, ना सर्फ ना पाउडर डालना नहीं आपको, सिर्फ आप रिंस लगा दीजिएगा 6 नंबर यहाँ से और स्टार्ट कर दीजिए, मेरी पानी लेगी और मिट्टी निकाल के आपको सुखा देगी, इसके लिए है। ठीक। या ये इसके लिए, जैसे आप मतलब कहीं बारिश में बाहर गए हैं, आपके कपड़े साफ हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ कपड़े सुखाना चाहते हैं कि धुला नहीं है, सिर्फ सुखाना है, तो आप खोलिए डोर, डाल लीजिए कपड़े, ड्राई को लगा दीजिएगा, ना मेरी मशीन पानी लेगी ना पाउडर मांगेगी, सिर्फ वो सुखा देगी, ठीक है? इसमें ना वॉश सोक करेगी ना वॉश करेगी, कुछ नहीं करेगी, बस सुखा देगी, सिर्फ रिंस प्लस सुखाएगी। या आप पार्टी वेयर में कहीं गए हुए हैं, तो मेरे कपड़े साफ है वहाँ पे, फ्रेश है, सिर्फ इसमें जो है स्मेल वगैरह आ रही है, मिट्टी वगैरह लग गई, तो आप रिंस प्लस ड्राई लगा दोगे, पानी लेगा बस, ठीक है? ये आपके फंक्शन हो गए, समझ गए, ऐसे नहीं का यूज होगा, बिल्कुल ठीक है। अब आपको खाली वॉश करना है, जैसे मेरे कपड़े कम गंदे हैं, आपने वॉश किया, मेरा पानी बच जाए, जो गंदे कपड़े हैं वो यूज हो जाए दोबारा, धुल सकते हैं उसमें पानी में, उसके लिए ये है वाटर रेसिप्स,
आपको इस बटन को आप कोई फंक्शन लगाएंगे इसमें से 1 से 5 तक कोई लगाएंगे फंक्शन, आप इस बटन को लगा दीजिएगा। अच्छा, शुरू 7 महीने बाद लग गया ये, ठीक है। अब क्या है, मेरी मशीन वाश करेगी सोक करेगी, मतलब सोक करेगी वाश करेगी, तो दो काम करेगी सिर्फ। सोक का मतलब होता है रुक रुक के चलेगी जिससे मेरा मैल फूल जाए, वो काम करेगी। वाश का मतलब कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। दो काम करेगी रुक जाएगी, आपको वीप की आवाज देगा, अलार्म ऐसा बजेगा, आप आइएगा, डोर खोलिएगा, कपड़े हमारे निकाल लीजिएगा, जो आपके कपड़े धुल चुके हैं उनको बाहर से टब में रख लीजिएगा, जो गंदे कपड़े आपके उसी पानी में आप धुल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए दोबारा वो पानी नहीं धुलना मुझे, तो इसको हटा लीजिए। अच्छा, ठीक है। ये दिया रिंस है, आप रिंस भी कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा रिंस होता है। से कुछ कपड़े थे ब्लैक कपड़े, ब्लैक में क्या होता है कि जल्दी हमारा वास मतलब जो है निरमा छुटता नहीं। मशीन मेरी क्या करेगी, अगर ये नहीं आपने लगाया है तो ये पानी एक बार लेगी और निकाल देगी, सुखा देगी। आपने ये रिंस लगा दबा दिया है तो 2 बार रिंस हो गया, एक बार इसके अकॉर्डिंग, एक बार इसके अकॉर्डिंग। 2 बार का मतलब 2 बार पानी लेगी, जैसे ब्लैक कपड़े हैं, 2 बार लेगी पानी तो वास उसका नू साथ निकल जाएगा, ठीक है। ये हमें मैडम दो मिनट काम करेगी, एक तो पानी बचाएगी, एक तो रिंस लगाएगी, ठीक है। नहीं चाहिए मुझे, हटा दीजिए। अब आपका आ गया एक्स्ट्रा रिंस, ठीक है। एक्स्ट्रा रिंस वही काम करेगा, आप जितनी बार दबाएंगे एक्स्ट्रा रिंस, ठीक है, एक बार लगेगा इसमें। रिंस का मतलब वही होता है पानी को लेना और धुलना, ठीक है। बाकी ये मैं दिया है वाटर लेवल, आपके कैसे कपड़े हैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग पानी आप ले सकते हो, हाई, मैक्सिमम, मीडियम, लो। अगर आपके 3-4 कपड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, 5-6 कपड़े हैं तो मीडियम ले लीजिएगा, 8-9 कपड़े हैं तो मैक्सिमम ले लीजिएगा, 10 से 12 कपड़े हैं तो हाई ले लीजिएगा या मैक्सिमम ले लीजिएगा, या आपको कुछ नहीं पता तो आप ऑटो लगा दीजिएगा, ठीक है। कुछ कपड़ों की मशीन अपने आप ऑटो पे जाएगी, जैसे उलन हुआ, बेड शीट हुआ, आप पानी को कुछ भी करेंगे तो मशीन पानी नहीं चेंज हो पाएगा, अपने आप लेगी, ठीक है। कुछ कपड़ों कर सकते हो आप, आपका नॉर्मल हुआ, स्पेस वास हुआ, हैवी भी नहीं होगा, नहीं अभी ऑटो जाएगी वो पानी लेगा अपने आप। ऑटो मतलब होता है फुल टैंक लेगी, इसमें कपड़े एक हो या 2 हो फुल टैंक लेगी, और हैवी कपड़ों पे वो फुल टैंक लेगी कि मेरे कपड़े पानी में तैरते रहे, ठीक है। बाकी इसमें 1 नंबर से स्टार्ट, 2 नंबर से कोकोलाम, आपको पीवन हमेशा लगा मिलेगा, आपको आगे जाने के लिए 2 नंबर बटन दबाना है, ठीक है, 2 नंबर चलेंगे। फिर आपके आ गया है, देखो आपने लगाया स्पेस वास, इस पे जल्दी होता है, सोक खत्म कर दिया, सोक हटा दिया, सिर्फ वास रिंस करेगी फटाफट, ठीक है। फिर आ गया 3 नंबर हैवी, स्टार वर्क करेगी, ठीक है। इको 4, ठीक है, इको वास आ गया ये, फिर E5, 8 तक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। अब आपको समझ गया पूरी बात कैसे यूज होगा, बिल्कुल। अगर इसमें खाली पानी आपको निकालना है, भरा हुआ है, तो आप पुन्नी ढंग लगा देंगे, चला देंगे, निकल जाएगा पानी। बाई चांस आपने कपड़े, हाँ, जैसे आपने कपड़े वाश कर लिए और मतलब जो है इस पे पानी बचाना चाहते थे आप, पानी बचा लिया आपने, अब नहीं मुझे करना किसी कारण, तो पानी कैसे निकले मेरा, तो आप लगाइएगा 5-7 नंबर लगा दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, वो पानी लेंगे मशीन और चल, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको